से अकाल मैं हूं संकल्प कांस्टिया स्वागत है आपका इस सेशन में गाइस अगर आपने मेरा लास्ट यूट्यूब पे एक सेशन देखा होगा तो एम इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिया है एंड उसमें से आपको पता चलेगा ए का एग्जाम पैटर्न सेवेंटी मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी एंड थ्योरी वाज आस्ट फॉर मोर देन ट्वेंटी फाइव मार्क्स यस यू हर्ड दैट राइट सो दैट टेल्स अस के बहुत इंपॉर्टेंट है Uh, अपना ये थ्योरी एंड जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो थ्योरी वॉज इन दिस फॉर्म जैसे आज मैं स्टार्टअप फाइनेंस करा रहा हूं उसमें एक क्वेश्चन है जस्ट टू गिव यू अर्स्पेक्टिव सो दैट शोज के कितना इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी करके जाना एंड दैट इज द रीजन आज मैं आप लोगों के साथ स्पेसिफिकली करवा रहा हूं क्वेश्चन चैप्टर बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन थ्योरी मैंने एक यूट्यूब uh, के ऊपर आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया था एंड लुक एट थी अगर आप लोग नोट करोगे ना ये देखो क्वेश्चन वन पार्ट सी थियोरी स्टार्टअप फाइनेंस क्वेश्चन टू सी थ्योरी क्वेश्चन थ्री बी थ्री सी थ्योरी क्वेश्चन फोर सी थ्योरी गोज ऑन टू शो दैट येस थ्योरी इज योर टू स्टे एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बस उसी के लिए आपके पास अगर मैजिक बुक है तो ओपन कर लीजिए नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना यू कैन फाइंड द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट बॉक्सिप्टिव सेक्शन एज वेल ठीक है एंड अगर नहीं किया है मैजिक बुक डू ऑर्डर इट नाउ फॉर योर वन पॉइंट फाइव डे रिविजन फाइव डे का एग्जाम का जो टेंशन है हमारा ये बुक वो आपसे दूर कर देगा प्लस जितने भी मेरे आर बेस्ड ऑन दिस सो इट विल हेल्प यू ऑल एज वेल स्टे सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बिकॉज एंड बेल आइकन क्लिक करना नोटिफिकेशन एंड तक आते रहना चाहिए तो आप लोग के लाइक like आते रहेंगे तो मोटिवेशन बढ़ते रहेगा कि यस yes, इनको और कुछ अच्छा

I am. वैसे ही आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिस्कस uh, करना है या बोलना है, yes, you can let me know. Till then, start करते हैं इस uh, chapter के साथ Finance. Uh, एक खाली क्लैरिफिकेशन मैं uh, एक और पीडीएफ uh, आप लोग के साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम में ही ये डाउनलोड कर लेना ये सब ये शायद आपको Uh, कुछ चीजें जो मैजिक बुक में uh, नहीं है जैसे ये वन वन वर्ड भी मैंने बना दिया है तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस एंड यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन ऑन स्टार्टअप फाइनेंस इससे रिलेटेड जो भी मेरा पांच छह मार्क का क्वेश्चन आएगा वो हंड्रेड एंड वन परसेंट आई हैव टू सिक्योर फुल मार्क्स

पूरे इंडिया में में वर्ल्ड स्केलेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी ऐसा प्रोडक्ट जो पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है जैसे अमेजॉन है अमेजोन पे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सब इतना ह्यूज लेवल पे दैट ऑल ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर कैन बी यूज्ड एनीवेयर वेयर नायका जीरो तो जीरोदा में अभी आज की तारीख में मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूं

लो तो जो लोग आते हैं वो क्या किस चीज के लिए आते हैं एक चीज के लिए आता है वो है कि उनको फाइनेंशियल नॉलेज एंड ये सभी मिली जाता है शार्क का तो दैट इज ऑल्सो गुड बट वॉट आर द वेन्सटार्टअप यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो कोई भी बिजनेस तो पहले तो खुद का ही पैसा लगाना पड़ेगा बोलते ना चैरिटी बिगिन सो so, यहां ये जितने भी आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली एट टू टेन पॉइंट दिए हैं ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर द हेड पॉइंट अंदर का आप खुद से लिख पाओगे ये मेरी गारंटी है तो अगर समझो एमसीक्यू में आता है तो अपने को हेड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अगर अपने को एक टिपिकल थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है देन इन दैट केस भी मेन अगर आता है अपने को पॉइंट तो अंदर का वी विल बी एबल टू राइट ऑन आर ओन सो तो सबसे है इसमें चीजों को समझना समझाते जाता हूं कि यार एकदम याद रहने चाहिए यहाँ पे तो वे स्टार्टअप इसके हेड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे देखो लिस्ट डाउन कर दिए ये भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है और बाकी सो लेट्स स्टार्ट पर्सनल फाइनेंसिंग सबसे पहले चैरिटी एट होम तो आप खुद अपना कितना पर्सनल फाइनेंस लेकर आएंगे वो है फिर होता है पर्सनल क्रेडिट लाइन तो आपके से मैं जब जेपी मॉगन में काम करता था तो मैंने चार साल वहां पे काम किया वो टाइम पे मैंने एक कार लिया था लोन पे और जब तक मैं था जेपी मॉर्गन में चार साल उसी टाइम पे मैंने लोन को रिपे भी कर दिया था कार का तो कोई टेंशन नहीं था मेरे बट उससे बैंक मुझे अब नेक्स्ट टाइम लोन देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी क्यों क्योंकि मैंने प्रूव किया है कि लोन लेके मैं उसको रिपे भी कर देता हूं या क्रेडिट कार्ड से मेरे पास वो टाइम पे तो क्रेडिट कार्ड भी एक पर्सनल क्रेडिट लाइन क्रिएट करवाता है सो दैट आई

और भी किसी को अगर स्टार्टअप चालू करना है तो उसको फंडिंग हमको देना चाहिए तो मैं एक स्टार्टअप लेके बैठा हूं अज्यूम करो कि मैं ओयो का फाउंडर तो अब मेरे पास मेरे पास पास एक स्टार्टअप है काफी सारा पैसा है मेरे को लग रहा है कि और भी ऐसे ही मेरे जैसा किसी बंदे को अगर स्टार्टअप चालू करना है और उसको भी पैसा चाहिए और उसको मैं कैसे दे सकता हूं तो मैं एक स्टार्टअप फाउंडर किसी और स्टार्टअप फाउंडर की ये चीज को समझता हूं एंड आई एम ए लैंड हिम पीयर टू पीयर हम लोग सेम बिजनेस के हैं ऑलमोस्ट सेम थिंकिंग है कि कुछ बड़ा करना है इन टर्म्स ऑफ एनी बिजनेस सो पियर टू प्यर लैंडिंग फिर होता है क्राउड फंडिंग ये भी आजकल काफी आप लोग ने सुना होगा स्पेशली देखो मिलाप करके एक चैरिटेबल फॉर्म है वो ये क्राउड फंडिंग को यूज करता है क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि आप जनरल पब्लिक जिसको आप जानते भी नहीं हो उसको आप बोल दोगे कि यार प्लीज मेरे को पैसे की जरूरत है एंड मेरे को ये पैसा ये बिजनेस के लिए चाहिए ये यूसुअली क्राउड फंडिंग ऑफलेट जो मैंने देखा है वो है कि समझो किसी को कैंसर हो गया और उसको उसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने का उसको चाहिए 20 लाख रुपए अब अगर वो खुद 20 लाख रुपए अकेला निकालने जाए तो लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल का काम हो सकता है तो वो क्या करता है क्राउड फंडिंग क्राउड में ये चीज डाल देगा अब अगर समझो कम से कम 20000 लोगों ने भी देख लिया और सब बीस हजार लोगों ने सौ सौ रुपए भी दे दे दिए भाई आज की तारीख में समझो एक बात को कि सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो ये सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी की वजह से बीस हजार लोगों के पास पहुंचना ये न्यूज कोई बड़ी बात नहीं है सब ने सौ सौ रुपए सुनो सौ सौ रुपए का भी अगर आ, पेमेंट कर दिया ना तो इट वर्क आउट टू ट्वेंटी लाख रुपीज क्राउड फंडिंग इज द क्विकेस्ट वे टू गेट मनी इन टूडेज सिनारियो इन दीज उड तो अच्छा तो फंडिंग तो आया मैंने सौ रुपए दे दिए एंड ये एक मिला मैं क्यों बोल रहा था क्योंकि ये सब आ, बोलते ना टेस्टिफाइड प्लेसेज है तो किसी ने देखा है कि हाँ ये जेन्युन काम कर रहे एंड फिर मैं यहाँ पे

पैसा चाहिए मैं उसको इंटरेस्ट देने को रेडी हूं तो मैं उसको बोल दूंगा यार पांच लाख रुपए मेरे को चाहिए मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा मैं उसको डायरेक्टली जानता नहीं हूँ बट थ्रू एंड थ्रू वी हैव क्रिएटेड असिलिटी बैंक ऑल्सो गिव माइक्रो लोन सो दट इज ऑल्सो वेरी कॉमन फिर होता है वेंडर फाइनेंसिंग सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं से अगर मेरे को आ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफ मेकिंग कैल्कुलेटर्स अब अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे प्लास्टिक का रॉ मटेरियल चाहिए अब प्लास्टिक का रॉ मटेरियल के लिए मुझे बीस लाख रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए फिर मैं उसको बेचूंगा सेल्स आएगा पैसा आएगा ना तो तब तक क्या मैं तो आज उससे पैसा ले रहा हूं आई मीन रॉ मटेरियल ले रहा हूं तो मेरे को तो पैसा देना पड़ेगा यहां पे वेंडर फाइनेंसिंग कैन बिकम इंपॉर्टेंट मैं मेरे वेंडर को बोलूंगा कि ना भाई तू मेरे से छह महीने तक मत ले कोई भी रॉ मटेरियल का पैसा जैसे ही मैं मार्केट में सेल्स कर दूंगा ये रॉ मटेरियल को यूज करके कैलकुलेटर बना के सेल कर दूंगा मार्केट में मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा वेंडर ने इनडायरेक्टली मेरे को फाइनेंसिंग कर दिया परचेज दिखा के भी आप फाइनेंस ले सकते हो से मैं अभी अनंत अंबानी को मिला था एक मॉल में तो अनंत अंबानी को मैंने बोला कि यार सुनना भाई तुम्हारा तो इतना बड़ा रिलायंस का फैक्ट्री है तो मेरे को तुम्हारे फैक्ट्री में कुछ से कैलकुलेटर कैलकुलेटर का सप्लाई करना है अनंत अंबानी बोला ठीक है डन ले भाई तू मुझे दस लाख कैलकुलेटर सप्लाई कर दे तो हम लोग ने एक परचेज ऑर्डर एंटर कर दिया सो अनंत अंबानी इज परचे टेन लैक गोइंग टू परचेज टेन लैख कैलकुलेटर्स फ्रॉम मी अब दस लाख का ऑर्डर आ गया इतना ऑर्डर को यूज करने के लिए मेरे पास पैसा तो होना चाहिए मेरे पास पैसा ही नहीं मैं बैंक के पास जाके बोले भाई देख रिलायंस का परचेज ऑर्डर है चल इसके नाम पे मेरे को पैसा दे 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 देगा वो परचेज ऑर्डर फाइनेंस फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स ठीक है ना इंटर में आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ा होगा फैक्टरिंग तो अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स जिसके पास से पैसा आना है हो सकता है उनको मैंने ट्रेड क्रेडिट दिया हो तीन महीना चार महीने का पर मुझे मेरे वर्किंग कैपिटल के लिए आज ही पैसा चाहिए आई कैन गो टू अ फैक्टर मैं बोलूंगा ये देखो है आप आप इसको फैक्टरिंग कर दो दो मेरे को अभी अभी का पैसा दे दो, आप लोग से बाद में पैसा लेते रहना उसके लिए मुझे एक फैक्टरिंग परसेंटेज फीस देना पड़ेगा आई विल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सारे वेज है जिससे मैं मेरे स्टार्टअप को फाइनेंस कर सकता हूं एवरीबॉडी विद मी पर्सनल फाइनेंस

मटेरियल खरीद रहा हूँ उसी को बोल रहा हूँ भाई मुझे पैसा मेरे से बाद में अरेंजमेंट kind of जैसा हो गया तो ये पॉइंट्स है बस अब आपको क्या करना है इधर गोथ्रू कर लेना है मेन पॉइंट याद रखना है पर्सनल फाइनेंसिंग पर्सनल क्रेडिट लाइन फैमिली एंड फ्रेंड प्योर टू प्यर लेंडिंग वेंडर फाइनेंसिंग क्राउड फंडिंग मिला वाला, जी, याद रखने का। फिर सो ये याद हो गया होगा आपको अभी चलते हैं के ऊपर पिच प्रेजेंटेशन इसमें सबसे सही एग्जाम्पल रहेगा ध्यान रखने के लिए शार्क टैंक का एपिसोड शार्क टैंक में अगर आप लोग ने कोई भी पिच देखा होगा तो वो इस ही सीक्वेंस में होता है पिच प्रेजेंटेशन यानी मेरा जो बिजनेस आइडिया है उसके लिए अगर मेरे को चाहिए या चाहिए, तो वो मेरे को कोई कैसे देगा, जब मैं एक सोल्यूशन ओरियंटेड बिजनेस है एंड इट इज गोइंग टू स्केल इन द फ्यूचर मीन ब्रीफ प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर्स एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी राइट इट कैन बी थ्रू फेस टू फेस मीटिंग्स थ्रू शार्क टैंक्स ऑनलाइन मीटिंग कस्टमर पार्टनर्स एंड को फाउंडर्स सबसे पहला काम इसमें आपको क्या करना है इंट्रोडक्शन देना है तो गिव अ ब्रीफ आइडिया किस का अबाउट फाउंडर्स इंटरेस्टिंग सो यहाँ पे दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट के जो फाउंडर्स है अपने बारे में आप कुछ बताइए फर्स्ट क्वेश्चन वालों का होता है अपने बारे में कुछ बताइए फाउंडर्स so, बिकॉज़ अगर से मैं एक आईटी टेक्नोलॉजी का कोई बेस का प्रोडक्ट बना रहा हूं और मैं कुछ आईटी टी फॉर्म का हूं तो एक कनेक्शन अच्छा सेट हो जाता है राइट right? वैसा फिर टीम टीम मेंबर्स कितने हैं को फाउंडर्स है क्या आपके टीम में कोई आईटी वाले हैं क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले मार्केटिंग वाले है? कितने लोग है सो गेट द इन्वेस्टर्स टू नो दीपल बिहाइंड सीन्स इन पास एंड अचीव सिग्निफिकेंट रिजल्ट फिर बाद में आ जाता है प्रॉब्लम आप कौन से प्रॉब्लम को सोल्व ले कर लेन बिजनेस इज गोइंग टू सोल्व सोल्यूशन कैसे लेकर आ रहे हैं एग्जाम्पल फ्लिपकार्ड लॉन्च्लाई चेन मैनेजमेंट टू डिलीवर ऑर्डर इन फ्लिपकार्ट को दिन के दस हजार ऑर्डर पूरे इंडिया में पहुंचाने हैं तो उसने खुद का ही एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट चेन ओपन कर दिया सो so, इंट्रोडक्शन पहले अपना क्या आप बताओ कि आप बिजनेस से कैसे कनेक्टेड हो कैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया टीम के बारे में बताओ प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन कैसे लेकर आ रहे हो मार्केटिंग कैसे कर बड़ी बड़ी कंपनी कैसे लोगों तक पहुंचती है मार्केटिंग के थ्रू कम्युनिकेट मार्केट साइज टारगेट कस्टमर्स ग्रोथ एंड फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू फिर प्रोजेक्शन पूछते ना भाई तेरी कंपनी का एबिटा क्या है तो एबिटा क्या है बेसिकली वो आपको पूछ रहा है आपके इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताओ आपके के बारे कई होती है जिनका कैश फ्लो बारे में होता है उसको बोलते हैं बर्न हो रहा है आपका सो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है भाई कितना इनफ्लो ऑफ कैश कितना तो बिजनेस प्रोजेक्शन या माइल आपने कितने रीच किए कॉम्पिटिशन कौन है मार्केट में आपका मार्केट शेयर क्या है उसमें आपका बिजनेस मॉडल क्या है कोर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड फाइनली फाइनेंसिंग आपने कुछ पास फंड रेजिंग किया है तो क्या वैल्यूएशन पे किया है ऑल ऑफ दैट इज इन अ पिच प्रेजेंटेशन सो अगर मेरे को मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं तो अपना इंट्रोडक्शन मेरा हो गया फिर टीम का बारे में बताना है मैं क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं और मेरी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए मार्केटिंग सेल्स टीम का क्या सीन है प्रोजेक्शंस एंड माइलस्टोन्स में कहां तक पहुंचा हूं मतलब इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कंपटीशन कितना है मेरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मेरा मार्केट शेयर कितना है उसमें मेरा बिजनेस मॉडल क्या है एंड हाउ एम आई लुकिंग फॉर फाइनेंसिंग पहले मैंने कोई पास्ट ऑफ फाइनेंस किया है क्या पास्ट फंड रेजिंग किया है क्या एंड अब मुझे न्यू फंड क्यों रिक्वायर्ड है एंड हाउ आई एम गोइंग टू यूज दैट फंड कंपटीशन ओवरऑल कॉम्पिटेटिव मार्केट कितना है उसमें से अपना मार्केट शेयर कितना है आई यू अंडरस्टैंडिंग हाँ ये देखो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स सो बिजनेस मॉडल में ध्यान रखना लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर मतलब अगर कोई कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लिया तो वो कितनी बार पूरे अपनी लाइफ में आपका सेम प्रोडक्ट वापस लेगा जैसे कि अगर शैम्पू या आप लोग आ, साबुन खरीदते हो तो वापस से खरीदोगे शैंपू 3 महीने बाद वापस से 3 महीने बाद

अभी तक के प्रोजेक्शन माइल में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लो कॉम्पिटिशन क्या है उसमें मेरा मार्केट शेयर क्या है बिजनेस मॉडल फाइनेंसिंग All right guys everybody done तो इसी के साथ होता है मेरा second question complete and अब आ जाते हैं अपन लोग next question के ऊपर अब आते हैं अपन लोग finance करने के तरीकों पे सबसे पहला होता है बूथ यानी खुद के पैसे से बिजनेस को बनाना उसको कहते हैं बूथ सुना होगा आप लोग ने ये भी शार्क टैंक में राइट? तो we are a bootstrapped company. So, कोई भी जब आप बिजनेस खुद से स्टार्ट करते हो और उसको एक scale पे लेके जाते हो यानी अभी तक आपने कहीं से भी external funding नहीं लिया है बूट स्ट्रेप्ड कंपनी फंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसिंग राइट और फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी मतलब खुद ही सेल्स करो जो पैसा आया उससे एक्सपेंसेस करो जो बचा उसको वापस री इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में

क्योंकि आपका पैसा नहीं है ना मार्केट का पैसा है जब खुद का पैसा आता है तो यू विल ऑलवेज टेक देम देशियसली कर्ब्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एनेबल द प्रोमोटर्स टू बी ऑन देर टोज कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए बूटस्ट्रैपिंग स्ट्रैपिंग अ बिजनेस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ कंपनी विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस ठीक है क्योंकि अगेन अभी अपन ने स्टार्ट किया अपने को कोई ज़्यादा जानते भी नहीं होते दिस हैं बूथ स्ट्रैपिंग आपको क्या क्या वर्ड ध्यान में रखना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं कब्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स एनेबल प्रोमोटर्स टू बी ऑन देर टोल्स बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बाय स्टार्टअप्स फ्रॉम देर ओन ये हो जाता है इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग बूट स्ट्रैपिंग मेथड में तीन तरीके हैं सबसे पहला है ट्रेड तो क्रेडिट अब जब आप खुद से बना रहे हो पैसों से जो यू नीड सम हेल्प तो ट्रेड क्रेडिट वही है जो मैंने आपको क्रेडिट लाइन बताया था इनिशियल परचेज और मटीरियल विल बी टेकन ऑन क्रेडिट वेंडर फाइनेंसिंग याद है बस ये वही है लॉट इन मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल वेंडर को बोलना पड़ेगा भाई थोड़ा क्रेडिट दें फैक्टरिंग जो डेटर्स है शायद वो डेटर्स को मुझे मेरा सेल्स बढ़ाने के लिए तीन चार महीने का क्रेडिट देना पड़े बट मैं अगर एक फैक्टर के पास जाऊंगा उसको बोल दूंगा ना ले भाई मेरा डेटर्स लेटली ले, पैसा दे दे एक कमीशन काट के एंड देन ही मैनेज द अकाउंट रिसीवेबल सोलिंग अकाउंट रिसीवेबल टू अ कमर्शियल फाइनेंस कंपनी टू रेस कैपिटल हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोक्शन क्रेडिट वेरिफिकेशन फिर बाद में आ जाता है लीजिंग टू टेक इक्विपमेंट ऑन लीज अब नया बिजनेस है तो सीधी सी बात है मेरे पास मशीन खरीदने का पैसा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा लीज पे ले लूंगा मतलब रेंट पे ले लूंगा परचेस करने के बजाय सो अगेन मेरा जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा स्टक नहीं होगा वरना बड़ा बड़ा सा कोई मशीनरी ले लिया तो कैपिटल स्टॉक हो जाएगा तो ये सब चीजें ना हो दैट इज वेर री यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बूट स्ट्रैप मेथड सो ट्रेड फाइनेंस ट्रेड क्रेडिट फैक्टरिंग एंड लीजिंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया है मेन मेन पॉइंट जो अपने येल्लो में यहां पर हाईलाइटेड बिल्ड फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ओन सेविंग से बनाना है ठीक है वेंचर कैपिटल एंजल इन्वेस्टर्स ने नहीं लिया ट्रेड क्रेडिट वेंडर फाइनेंसिंग के जैसा खुद का वर्ड में फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल को अपना बेच देना मार्केट में लीजिंग खरीदने की जगह परचेज कर लो मशीन को परचेज करने की जगह लीज कर लो रेंट पे ले लो क्लियर ओके okay. फिर बाद में आ जाते हैं मेरे एंजल इन्वेस्टर्स एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं तो से मेरे फैमिली में एक है थोड़े सीनियर है उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था बहुत बड़ा स्टार्टअप बन गया वो और अब उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो मुझे कुछ टाइम के लिए मेरे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसा चाहिए मैं किसी वेंचर कैपिटल को नहीं जानता बूथ स्ट्रैप करू उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास कि पर्सनल फाइनेंस से उसको एक्सपेंशन कर सकूं ठीक है बैंक के पास से ऑलरेडी थोड़ा बहुत लोन लिया हुआ है तो अब मैं किसके पास जाऊं अब मेरे को कोई ऐसा चाहिए यार भगवान अब तू ही बचा सकता है देखो नाम कहां से आया एंजल अब तू ही बचा सकता है सो so, यहां पे नाम गिरा एंजल इन्वेस्टर्स so, एंगल नहीं एंजल सो यहां पे नाम आया एंजल इन्वेस्टर एंजल मतलब भगवान का रूप सो so, यहां पे वो लोग आते हैं दीज आर वेल्दी इंडिविजुअल्स बहुत पैसा है उनके पास हु प्रोवाइड कैपिटल टू प्रोमिस अर्ली स्टेज बिजनेस एंटिटीज इन एक्सचेंज फॉर अ पोर्शन ऑफ देयर इक्विटी मैंने उनको जाके बोला कि मेरे को एक्सपांड करना है मेरे को मेरे क्लासेस ऑल ओवर इंडिया सेटअप करनी है तो मुझे पचास लाख रुपए चाहिए बोला ठीक है ले लाख का चेक मुझे एक परसेंटेज ऑफ इक्विटी दे दे कोई टेंशन नहीं एंड इट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस हो गया फिर आ, तो इंटरनल मतलब ग्रो और बोला ना ग्रो एक्सपांड करने के लिए अच्छा कोविड के टाइम पे काफी स्टार्टअप का डिफिकल्ट फेज था तो वो सपोर्ट चाहिए होता है वो टाइम पे तब आप एक एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे इन्वेस्ट इन एंटरप्रिन नॉट द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस यहाँ पे जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो

इन्वेस्टर्स कौन वेल्दी इंडिविजुअल्स जो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग या जब मैं डिफिकल्ट फेज से मेरा बिजनेस जा रहा है मुझे एक्सपांशन करना है वो टाइम पे कोई पैसा दे देना है इनको इंटरनल इन्वेस्टर प्राइवेट इन्वेस्टर सीड इन्वेस्टर भी बोलते हैं इन्वेस्ट इन यूजेस्ट इन एंटरप्रीन दयाबिलिटी सामने एक छोटा सा शेयर ऑफ इक्विटी ले लेंगे वो लोग या कन्वर्टेबल डिवेंचर ले लेंगे उनका एक्सिट यूजीओ के टाइम पे अपन प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं द रियल शॉक्स जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंडर्स तो ये जब वेंचर कैपिटल फंडिंग आता है ना तो ये इक्विटी भी लेके जाता है ये अपने मैनेजमेंट में कई बार इंटरफेयर भी करते हैं एंड इनको अपने को एक अच्छा रिटर्न लाके भी देना है सो so ये सारा ये बोलते हैं ना एक एक्सपेक्टेशन के साथ आता है वेंचर कैपिटल फंडर सो इसमें क्या है मनी प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स हु मैनेज एंड इन्वेस्ट इन यंग रैपिडली गोइंग कंपनीज ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है इनमें वेंचर कैपिटल फंडिंग लगी थी सबसे बेस्ट इंडिया की बूट कंपनी का अगर आप नाम पूछोगे इट इज जीरो द फुल्ली एंड यूनिकॉर्न लेवल पे वो लेके गए अपने इस कंपनी को निखिल कामत नितिन एंड कामत। अगर आप मुझे पूछो बाकी सब कंपनी जैसे लेंसकार्ट आप देखते हो तो वॉट इज लेंसकार्ट इट इज अ वीसी फंडेड कंपनी राइट सो मनी प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स मैनेज एंड इन्वेस्ट इन यंग सो पीयूष बंसल वाज यंग

तो ये हो गया एक होराइजन विल गेट लेस इक्ट इक्विटी लैक ऑफ लिक्विडिटी सी इतना ये लोग लिक्विडेट नहीं करते तो अगर इन्होंने वेंचर कैपिटल ने इन्वेस्ट किया इक्विटी में अपनी कंपनी की इक्विटी में सो दे विल स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स चाहिए इनको दस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं उसमें से दो यूनिकॉर्न डेकाकॉन बन जाती है बट पांच से आठ कंपनीज दे आर नॉट डूइंग दैट गुड इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड ये लोग बो डिसीजन में भी अपना होल्ड रखते हैं सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी सी सो ये देखो फाइनेंस न्यू रेपिडली ग्रोइंग कंपनीज इक्विटी शेयर परचेज एड वैल्यू थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन लॉन्ग टर्म होराइजन हाई रिस्क इक्विटी पार्टिसिपेशन सो ये मैंने एक एक वर्ड में लिख के रखा है ताकि की वर्ड आप लोगों को ध्यान में आ जाए नेक्स्ट क्या एडवांटेज है सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका नेटवर्किंग यार दुनिया के कोई भी कोने के साथ आपको ये कनेक्ट करवा सकते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो होने में काफी काफी हेल्पफुल हो सकता है सो लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस विच प्रोवाइड अ सॉलिड कैपिटल बेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ तो ये एक पॉइंट हो गया नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इन मेनी केसेस फेसिलिटेट अ

राइट प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रैक्टिकल एडवाइस एंड एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग चाहिए तो भी यहां से अपने को मिल सकता है देन वेंचर कैपिटल आर इन प्रोसेस ऑफ़ प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन आईपीओ फिर बाद में आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ वीसी फंडिंग सो टोटल आप लोग को जैसा कि आपने दिख रहे होंगे छह स्टेजेस हैं बट डिवाइड किया इनको फोर पार्ट में सबसे पहला है सीड मनी सीड मनी मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए लो लेवल ऑफ फाइनेंसिंग नीडेड टू अ न्यू पे बहुत एक्सट्रीम लेवल का रिस्क होता है क्योंकि अभी जस्ट आइडिया को हम फाइनेंस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं सीड फंडिंग सीड फंडिंग यूजुअली बूटस्ट्रैप होती है मतलब खुद ही आप बिजनेस में सीड फंडिंग लेकर आते हो समझो आपको कोई आइडिया आया और आप बोलते हो सर आपके पास पैसा है आप प्लीज मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो ना मैं बोलता हूँ ओके डन तो मैं जो आपको पैसा दूंगा वो क्या हो जाएगा

ठीक है सो so, ये टोटल छह राउंड स्टेज स्टेजेस होते हैं बेसिकली वेंचर कैपिटल फंडिंग के सबसे पहला सीड मनी सबसे पहला सीड मनी सीड मनी जस्ट बिजनेस आइडिया को फंड करने के लिए फिर थोड़ा एक्सपांशन मार्केटिंग सेल्स को फंड करने के लिए स्टार्टअप फिर और नेक्स्ट लेवल पे जाना है फर्स्ट राउंड अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर आता है सेकेंड राउंड वर्किंग कैपिटल के लिए फिर आता है मेजनीन फाइनेंसिंग प्रॉफिटेबल कंपनी को और बड़ा करने के लिए एंड लास्ट होता है याद रखने के लिए सीड मनी फिर स्टार्टअप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड पे आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल थर्ड राउंड यहाँ पे निकलेंगे mezzanine financing. और होता है फोर्थ राउंड विच इज कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग जो आईपीओ के लिए हेल्प करता है ब्रिज फाइनेंसिंग इंटेंडेड फाइनेंस गोइंग पब्लिक प्रोसेस रिस्क रिस्क जैसे आप लोग देख रहे हो ओवर स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग बीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के ऊपर चलो अब प्रोसेस क्या है डील ओरिजिनेशन तो आप पहले डील ओरिजिनेट कर, करोगे एंड यू विल टेल द वेंचर कैपिटल सो डील ओरिजिनेटर फिर वो आके स्क्रीनिंग होगा और ड्यू डिलीजेंस होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप तो बोल दोगे मेरी कंपनी का मेरा ये प्लान है मैं इसको हजार करोड़ का बनाऊंगा मैं इतना बड़ा कर दूंगा बट वो रियल में भी पॉसिबल हो पाएगा क्या तो उसका स्क्रीनिंग कम ड्यू डिलीजेंस होता है अगर ड्यू डिलीजेंस में सब पॉजिटिव आया तो फिर डील को स्ट्रक्चर किया जाता है कि कितना इक्विटी कितना डेट कन्वर्टेबल नोट्स होते हैं जैसे कि भाई आज इक्विटी है आज डेट है फ्यूचर में इसको अपन इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रॉयल्टी भी कई बार कॉम्पोनेंट होता है कि भाई आप कुछ नेट सेल्स का एक परसेंटेज दोगे उनको सो ऑल ऑफ दैट मिला के होता है ये बीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस तो आपका फिर बाद में डील स्ट्रक्चरिंग होता है फिर डील स्ट्रक्चरिंग के बाद आपको पैसा चाहिए तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पेमेंट रिसीव ऑफ मनी एंड एवरीथिंग एंड फाइनली देयर इज अ एग्जिट प्लान फाइनली देयर इज अ एग्जिट प्लान समझ में आ गया अपने को सो एग्जिट प्लान मतलब वही कि भाई चलो तीन साल चार, चार साल मैंने इन्वेस्ट किया है अब मेरे को मेरा पैसा रिटर्न आ गया सो आई बी डन डील ओरिजिनेशन में डिस्कशन होता है कि अपना कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस है स्टेज ऑफ बिजनेस क्या है टर्नओवर कितना एक्सपेक्टेड एंड प्रमोटर क्या लेवल पे है क्या प्रमोटर्स है वो लोग एक दूसरे को क्या जान, कितना जानते हैं और उनका इंटरनल स्टेक कितना है राइट सो डील ओरिजिनेशन सेक्टर फोकस प्रमोटर का क्या सीन है बिजनेस एंड टर्न फोकस ये एक बार हुआ उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप विच इज स्क्रीनिंग दे ओवरऑल रिव्यू कर लेते हैं बिजनेस बिजनेस का का ये एक ओवरव्यू हुआ स्क्रीनिंग हाँ कि बिजनेस अच्छा कर पाएगा अब ड्यू डिलीजेंस इन्होंने बोले वो सच है क्या है तो वो ड्यू डिलीजेंस वो सब सेट हो गया फिर डील स्ट्रक्चरिंग पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड देन एग्जिट प्लान समझा That basically is called as the VC investment process. Structure of venture capital in India ये कुछ important नहीं है डोमेस्टिक फंडल फंड जैसे हैं. इनसे पैसा मिला तो offshore funds. अभी इंडिया में एक सिकोया है तो ऐसे तो बाहर का है बट इंडियन अभी उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो इट इज So डोमेस्टिक fund फंड डोमेस्टिक for फॉर पुलिंग ऑफ from फ्रॉम इन्वेस्टर एंड separate इन्वेस्टमेंट एडवाइजर that कैरीज ड्यूटीज ऑफ एसेट मैनेजर एंड फिर है ऑप्शन स्टार्टअप नीड टू अवेल गवर्नमेंट स्कीम वॉट इज अटार्टअपैन अवेल गवर्नमेंट स्कीम अगर आपका दस साल ही से कम हुआ है रजिस्ट्रेशन करा हुआ है अपटू टेन ईयर फ्रॉम इेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन दस साल से कम एज की कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हंड से ऊपर गया तो फंडिंग की एंटीटी शुड नॉट है बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दस साल के दस साल का जो टाइमलाइन है उसको अध्ययन करने के लिए आपकी ऑलरेडी एक कंपनी थी बारह साल पुरानी अब बारह साल पुरानी को तो ये नहीं मिलेगा स्टार्टअप का बेनिफिट गवर्नमेंट का तो आप क्या करोगे अपनी कंपनी को डीमर्ज कर दोगे और बोलोगे ये हमारी नई कंपनी है और ये जो नई कंपनी है ये दो साल पुरानी है ऐसा नहीं चलेगा है ना सो इट शुड नॉट बी फॉर्म आउट ऑफ स्प्लिटिंग अप और अन्स्ट्रक्शन एंड इट शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन कुछ नया डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इनोवेशन होगा आपके प्रोडक्ट में कुछ नयापन होगा तब भी आप उसको स्केल कर पाओगे कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट मतलब मार्केटिंग के लिए पैसा यूज करना है तो सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टार्टअप गवर्नमेंट स्कीम समझ में आ गया एवरीबॉडी सो सिस्टम कुछ इस प्रकार है नोविंग बात और अब आते हैं यहां लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न के ऊपर जी हा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पे ये सब यूनिकॉर्न अपनी कंपनी को बना चुके हैं so, कौन होता है यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअपेटली विच हैजीव अ वैल्यूएशन ऑफ डॉलर वन बिलियन अप्रोक्सीमेटली साढ़े आठ हजार करोड़ ठीक है सो so, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है एलिन ली उसने ये टर्म डिनोट किया था अगर आपकी वैल्यूएशन कभी इससे कम हुई

कब प्राइवेटली सेटअप होना चाहिए वैल्यूएशन डॉलर वन बिलियन एम्फोसिस न्यू आइडियाज इनोवेशन कंज्यूमर फोकस हाई ऑन टेक्नोलॉजी वही टिपिकल स्टार्टअप की बातें हैं अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर दिस इज कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस वेरी वेरी नाइस कॉन्सेप्ट प्लानिंग गाइस क्या होता है ठीक है सक्सेशन का मतलब होता है आने वाला जनरेशन तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा दैट मुकेश अंबानी रिसेंटली प्लान प्लानिंग भाई अनंत अंबानी विल टेक केयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आकाश अंबानी विल टेक केयर ऑफ रिलायंस जियो ईशा अंबानी विल टेक केयर ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड तो उन्होंने एक सक्सेशन प्लानिंग कर है कि भाई ठीक है अब हम

उसका शाहिद बल्दवा तुम लोगों ने नाम सुना होगा डीएल नाम भूल गया मैं ठीक है कंस्ट्रक्शन anyway, कंपनी है तो उनके प्रोमोटर्स में प्रॉब्लम हो गया कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर कंपनी वेंट बस्ट मतलब कंपनी खत्म हो गई क्यों क्योंकि उनके लीडर में ग्रॉस नेग्लिजेंस और फ्रॉड आया बिलफुल मिसकंडक्ट आया

अनक्लियर थॉट्स नहीं होंगे क्लैरिटी है कि भाई हाँ ठीक है मेरे को यहाँ पे इतने टाइम बाद मेरा ये सक्सेशन होने वाला है एंड अलाइनिंग फैमिली ओन बिजनेस इज सक्सेशन प्लानिंग हेल्प्स टू अलाइन विद द कल्चर विजन डायरेक्शन एंड वैल्यूज ऑफ द बिजनेस तो सब फिर एक ही ग्रोथ पाथ पे काम करते हैं क्या लगता है आपको इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से आफ्टर फाइव इयर्स विल लुक फॉर अ सक्सेसर who will be the next PM candidate. Do comment and let me know. Anyways, फिलहाल अपन लोग यहाँ पे आ जाते हैं succession planning पे तो points क्या है समझ में आ रहा है आप लोगों को right unicorn हो गया succession planning critical positions मैं highlight कर देता हूँ points critical positions leadership role देना है उनको right people right jobs all employees should know at what level they are risk mitigation तो कोई भी leader quit करता है तो भी tension नहीं है लीडर एग्जिस्टिंग लीडर का कोई ग्रॉस नेग्लीजेंस या फ्रॉड आता है तो भी टेंशन नहीं के है टैलेंट पाइपलाइन लाइन की वजह से मोटिवेटेड उनको करियर पाथ पता चल जाता है अपना एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है एंड द होल पीपल आर अलाइंस टू प्रॉपर विजन एंड डायरेक्शन ऑफ द कंपनी सो ये है द सक्सेशन प्लानिंग के बेनिफिट वॉट इज द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल देख लो भाई की लीडरशिप पोजिशन पे कौन है

And finally, a bridge leader also appoint One hundred and ten percent Mukesh Ambani appointed a bridge leader to train Anant Ambani, Akash Ambani, and uh, Isha Ambani. Bridge leader, a person in a family-owned business, appointment of an outsider as a bridge leader will help to develop the business and prepare young family members for leadership role. Similarly, identify competencies of current workforce. Ke bhai? What are the possible internal ऑप्शन यहां से इवेल्यूएट विच रोल्स आर क्रिटिकल इंपैक्टफुल उन लोगों को आप स्ट्रेटेजिक रोल्स की तरह देखते हो फाइंड आउट वन नीड्स टू आइडेंटिफाई क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना नॉलेज है ऑडिट टैक्स फाइनेंस सबका नॉलेज है सो दे विल बी एबल टू परफॉर्म द रोल सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसीज ऑफ करंट वर्कफोर्स तो करंट वर्कफोर्स कैसे क्या काम कर रहा है क्या उसके पास प्रॉपर स्किल्स है कि नहीं And then I told you bridge leader. तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है के लिए। पहले सीओ सी एफ ओ मार्केटिंग सब कौन लोग वो उनका अगर उनको रिप्लेस करना है सीओ को सीएफओ को, को रिप्लेस करना है तो उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या बिहेवियरल एटीट्यूड चाहिए ठीक है ना कोई एकदम गुस्से वाला होगा वा, उसको मैं नहीं दे पाऊंगा वो कब एक शांत पर्सन चाहिए

एंड लास्ट में चैलेंजेस एक स्टार्टअप के लिए काफी सारे चैलेंजेस होते हैं सबसे पहले कि फाउंडर का अमाउंट माइंडसेट कुछ और हो सकता है एंड बाकी के लोगों का माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट माइंडसेट कॉर्पोरेट माइंडसेट में कई बार होता है भाई टाइम टाइम टू काम करना है निकल जाना है स्टार्टअप में इट कैन बी एनी थिंग वे फाउंडर्स ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट मैनेजर प्री प्रीमे फॉर स्टार्टअप टू इंप्लीमेंट द बिजनेस सक्सेशन

देखना पड़ेगा एज अ ओनर बीजेपी इज गोइंग टू फेस दिस क्राइसिस ठीक है बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हैज अ फेस ऑफ नरेंद्र मोदी टुमारो व्हेन ही हैज टू रिटायर विल द पीपल एक्सेप्ट विल बी डिफिकल्ट बट वही है कितना अच्छा सक्सेशन प्लानिंग करता है मोदी जी इज नाउ इट इज हिज चैलेंज एज अ फाउंडर अ स्टार्टअप फाउंडर ऑफ बीजेपी एनीवेज सो आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये सारी की सारी चीजें Points and within one hour, अपना सो डन विद दिस सेशन और मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ ये वाला भी एक जो नोट uh, है वो शेयर कर दूंगा वन वन वर्ड के हिसाब से अगर आप लोगों को याद रखना है सो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल टू यू चलो देन टाइम फॉर टू से डू शेयर योर लाइक्स एंड कमेंट्स कैसा लग रहा है सेशंस अभी तो काफी सारे डेरिवेटिव्स एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग पोर्टफोलियो म्यूचुअल बिजनेस वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी काफी सारे चैप्टर्स आ गए एम श्योर यू आर वाचिंग ऑल ऑफ इट विथ द मैजिक बुक ये मैजिक भी आप लोग को मिल रहा है कुछ चीजें हैं जो मैजिक बुक में नहीं है वो मैं पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं जैसे वन वन वर्ड और वो तो वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड दैट शुड बी हेल्पफुल टू यू राइट ठीक है चलो अस्त की